टू क्लास बिकॉज आई नो फॉर यू ऑल इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट कि 2 दिन मिलता है थोड़ा जल्दी 8 से उठने के लिए. सो आई अंडरस्टैंड. आई विल शिफ्ट इट आई विल मेक इट एट 1 o'clock. चलेगा ना? लाइक CP3 विल बी 11 o'clock एंड CP2 विल बी 1 o'clock. तो चलेगा ना? लक्ष्य, इज इट फाइन विथ यू ऑल्सो? यस ओके. सो आई अंडरस्टैंड कि सुबह थोड़ा वो हो जाता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. आई जस्ट शिफ्ट इट, नो इशू दैट. From coming week, I'll do that. Okay. I hope आप लोग एक बार रीड कर लिया सब लोग CP3 जो हम लोग कल पेपर स्टार्ट किए थे, सिनेरियो मटेरियल. आज हम लोग क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे एंड दिस वॉज द एंटायर स्प्रेडशीट विच वी गॉट. आप लोग ने अगर वापस से रीड किया, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? हाँ ठीक है. So let us read the question paper. Today we'll not start writing एक बार में. आज का क्लास भी थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे हम. आज हम लोग खाली डिस्कस करेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क हम देखेंगे. एंड देन सिंस दिस इज माई टर्म्स पेपर, आई अपियर्ड इन सेप्टेम्बर 2020 आई अपियर्ड. तो वॉट आई डू इज जब मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को, जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं अपना सोल्यूशन एंड इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन को मिला के आई विल राइट. बिकॉज यू नो CP3 का जो इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन होता है उसमें उन लोग ऐसे लिखते हैं कि दिस इज जस्ट एन मॉडल सोल्यूशन विच इज देयर, वन ऑफ द सोल्यूशंस विच वी फाउंड टू बी गुड. ऑब्वियसली देयर आर मेनी सोल्यूशंस पॉसिबल बिकॉज CP3 पूरा एक ऐसा पेपर है ना जो एक सब्जेक्टिव पेपर है. सो वॉट रुचिता इज राइटिंग एंड वॉट लक्ष्य इज राइटिंग, वॉट आई एम राइटिंग माइट बी रियली डिफरेंट. ठीक है, बट द थिंग ओवर हियर इज कि हो सकता है कि सब सही है, जस्ट दैट कुछ लक्ष्य ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख दिया, कुछ उसने नहीं लिखा. तो वो चीज रहता है हमेशा, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन हल्का इधर उधर अलग ऑब्वियसली हो सकता है, राइट? सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर देयर विच इज डिफरेंट डेफिनेटली. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये चीज देखें. इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैं आज के क्लास में क्वेश्चन पेपर रीड करूंगी. वो जो थे ना प्लानिंग के लिए टाइम निकालते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट CP3 वाले पेपर में हम प्लानिंग का टाइम निकालें. बिकॉज CP3 में अगर आप स्ट्रेट अवे लिखने बैठ जाओ आप नहीं लिख पाओगे. तो क्या टेक्निक होता है, क्या होता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. कमिंग क्लास से हम लोग वर्ड में लिखना स्टार्ट करेंगे. सो इट विल टेक मी 2 क्लासेस टू फिनिश ऑफ वर्ड में पूरा, वो हम लोग करेंगे. सो कमिंग वीक का संडे वी फिनिश ऑफ एटलीस्ट 1 पेपर. तो 1 या 2 पेपर्स अगर हम प्रैक्टिस कर लें इन क्लास, आफ्टर दैट यू ऑल विल राइट इट डाउन पेपर्स एंड देन वी विल डिस्कस योर पेपर्स इन क्लास. दैट विल बी द एंटायर प्रोसेस ऑफ आवर क्लासेस व्हिच वी हैव. वी विल हैव इट ऑन सैटरडे संडेज ओनली, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है. टुवर्ड्स द एंड अगर रिक्वायर्ड रहा तो वीक डेज में वी कैन कीप अ क्लास. एक्चुअली वीक डेज में क्या होता है कि सबका टाइमिंग्स मैच नहीं करता. ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ मीटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो दूसरा जन फ्री है, तो वो इसीलिए वी कीप वीकेंड क्लासेस. And if 1 o'clock suits you all, I will make it 1 o'clock from the coming weekend. Okay. Okay. So let's start. This is the question paper जो हम लोग पढ़ रहे हैं. Scenario हमने कल पढ़ लिया. I'm not reading the scenario again. तो यहाँ देखो question जब start करें क्या है. Question paper पर देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे nothing is mentioned. It's a 3 hours paper. याद रखना, it's not a 3 hour 15 minutes paper. This is a very important thing which you should know. कि confused मत होना. CP2 का papers is 3 hours 15 minutes. CP3 is always 3 hours. ठीक है. You are a product actually. अब हमें पता चल रहा है कि हम कौन है. We are a product actually at ABC Insurance. तो अब एक होल न्यू परस्पेक्टिव आ जाएगा. अभी तक था सेल्स मशीन उनके ऊपर से, उनका स्प्रेडशीट, उनका सब कुछ दिया है. अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक प्रोडक्ट एक्चुअली हैं एंड वी आर फ्रॉम द एबीसी इंश्योरेंस एंड हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट विद द सेल्स मशीन टू प्रिपेयर फॉर द लॉन्च ऑफ द न्यू joint venture to market ABC funeral insurance plan. ठीक है, दिस वॉज द प्लान विच वी वर स्टार्टिंग. द प्रोजेक्ट इज वेल अंडर वे. यू आर अटेंडिंग अ मीटिंग विद द सेल्स मशीन मार्केटिंग कमेटी एट द एंड ऑफ द वीक टू रीच एन अग्रीमेंट ऑन सम इश्यूज विद द प्रोडक्ट एंड कैंपेन बिफोर साइन ऑफ एंड लॉन्च. सो इन 1 coming week, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड नो कि कमिंग वीक में, जस्ट 1 week के एंड में, वी आर हैविंग मीटिंग विद द सेल्स मशीन मार्केटिंग कमेटी जो पूरा चीज मैनेज कर रहा है. एंड हम लोग कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिनको हमें साथ में मिलकर रिजोल्व करना है.
यू हैव रिसीव्ड स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया ठीक है. यू हैव रिसीव द फॉलोइंग ईमेल फ्रॉम योर मैनेजर पीटर टेलर. तो ये पीटर टेलर हम नहीं है, हमारे हमारा मैनेजर है. द हेड ऑफ प्रोडक्ट्स, हु इज द हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एट एबीसी इंश्योरेंस. सो बेसिकली वी आर द प्रोडक्ट एक्चुअली एंड वी आर रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम अ ईमेल फ्रॉम हेड ऑफ प्रोडक्ट्स at ABC Insurance, who has expressed concerns about the proposed script for the direct marketing to potential customers over the telephone. तो इससे कुछ समझ में आया first paragraph से, what मतलब ये इस line से किस बारे में he is going to speak. The proposed script मतलब telemarketing में क्या होता है, कोई हमें call करता है, एक proper format होता है जिस तरीके से they will ask you, आप हमारे बैंक के कस्टमर हैं, आपको क्रेडिट कार्ड या कि यू आर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड व्हाट एवर दे से, तो वो उनका एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी रहता है, राइट. तो वो स्क्रिप्ट के बारे में ही वांट्स टू डिस्कस विद मी, राइट. सो इट इज द लेटर, द ईमेल इज फ्रॉम पीटर टेलर टू अस. हमारा नाम यहाँ पे हमें पता चल रहा है, ए स्मिथ, ठीक है. डेट दिया है सेल्स मशीन मार्केटिंग कमिटी मीटिंग विच वील हैव आफ्टर वन वीक. Dear Alex, Alex हमारा नाम है. As you are aware, I have two concerns with how the sales machine team have drafted the script for our telephone sales staff to be used when marketing the new ABC funeral insurance plan. The business case for this product is due to be discussed in the upcoming meeting. I would like to present business case क्या है ये वाला, ठीक है. तो ये हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज ही सेइंग देन, टू बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग मीटिंग एंड आई वुड लाइक टू प्रेजेंट सम प्रपोजल्स दैट एड्रेस दीज कंसर्न्स. तो उसके दो मेजर कंसर्न्स है, वो जो हमें बोल रहा है कि उसके दो मेजर कंसर्न्स है. ये दो मेजर कंसर्न्स क्या है वो हमें ये बताएगा. फर्स्टली द स्क्रिप्ट शुड इंक्लूड सम प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चंस. याद है हमने जो देखा था प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चंस अंडर राइटिंग. क्या हो रहा है, इस लैपटॉप से रिजॉइन करती हूँ. आई डोंट नो इतना इसी लैपटॉप में एंड वाईफाई जस्ट मेरे बगल में रखा हुआ, फिर भी आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम. Thank you.
ठीक है। फ्रीज हो गया ना स्क्रीन। मैं स्क्रोल कर रही हूँ। स्क्रोल हो रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं हो रहा ना। मुझे एक सेकेंड देना, बस आई जस्ट दूसरे से लॉग इन करके देखती हूँ। जस्ट 1 मिनट प्लीज। ठीक है। अभी है ना। हाँ सो फर्स्टली तो ये देखो यहाँ पे ही हैज टू मेजर कंसर्न्स। अब क्या होता है ना कि हर एक पेपर में देर आर 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स जो हमें देखना है, ढूंढना है, एंड वी हैव टू आंसर दैट इन आर कम्युनिकेशन। कभी भी 3 to 4 ऑब्जेक्टिव्स से ज्यादा दे विल नेवर आस्क। 3 to 4 ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं हमें उसको एकदम इलैबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, एंड वी हैव टू कीप आर जो हम कम्युनिकेशन भी एक लेटर ईमेल जो भी हम लिखेंगे उसको हमें एकदम वेल लेड आउट रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी लिख रहे हैं, एकदम लॉजिकली ऑर्डर्ड होना चाहिए पॉइंट्स। यानी कि सपोज पूरा हम बोलते हैं ना ए बी सी डी, इट्स इट शुड बी लाइक दैट। ऐसा नहीं कि आप कुछ बाद में एक्सप्लेन कर रहे हो बट उसको आपने यूज पहले कर रखा है। कोई एक ऐसा वर्ड विच यू हैव एक्सप्लेन यूज इट अर्लियर बट यू आर एक्सप्लेनिंग इट लेटर ऑन, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट या कुछ भी जो आप पहले ही यूज कर ले रहे हो बट देन लेटर यू आर एक्सप्लेनिंग। सो सीपी 3 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्लान आवर पेपर।
तो 10 मिनट्स 5-10 मिनट्स हमें पहले सोचना चाहिए आफ्टर रीडिंग द एग्जाम पेपर कि हमें लिखना क्या है एंड देन वी शुड स्टार्ट विथ राइटिंग, क्योंकि डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख तो पाओगे नहीं. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट स्टार्ट राइटिंग ऐसे कुछ भी. तो हमेशा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले सोचें, डिस्कस करें, देन मन में सोचें एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या बोले, देखो फर्स्टली टू इश्यूज है जिसको ये पूरा टू कंसर्न है जिसको ये पूरा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. फर्स्टली द स्क्रिप्ट शुड इंक्लूड सम प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चंस अर्ली ऑन द टेलीफोन कॉल टू एंश्योर दैट कस्टमर्स हैव अ फाइनेंशियल नीड ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन की उनको सच्ची में इस प्रोडक्ट का फाइनेंशियल नीड है कि नहीं. दिस विल हेल्प फिल्टर आउट कस्टमर्स who are more likely to lapse their policies due to poor product fit. I have attached my recommendation changes to the sales script. Based on my modeling, I estimate that this small change will reduce the lapse rate from 10% to 5%. तो वो जो 10% का lapse rate था ना, वो 5% में change हो जाएगा अगर हम लोग कोई pre-qualifying questions पूछे. What are pre-qualifying questions? Pre-qualifying questions are basically जहाँ पे हमें ये देखना है कि उनको एक्चुअल में फाइनेंशियल नीड है या फिर वो ऐसे बस हमने बोल दिया और उनको लग रहा है कि ले लेते हैं तो वो प्रोडक्ट ले लेते हैं. माय सेकंड रिकमेंडेशन इज दैट वी इंक्लूड 5 बेसिक मेडिकल क्वेश्चंस. अब वहां पे था नो मेडिकल अंडरराइटिंग, यहाँ पे ये सेम हम लोग 5 खाली बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं इन द स्क्रिप्ट फॉर द सेल्स स्टाफ टू आस्क. दिस विल अलाउ अस टू इमीडिएटली आइडेंटिफाई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस for major risks up front and hence either decline the cover or impose exclusions as appropriate. With our target 24-hour turnaround time to finalize claims, we will not have sufficient time to scrutinize policyholders' previous medical records as thoroughly as we would like in order to determine the validity of each claim. Therefore, it is important to at least capture some information during the sales process. I estimate this will improve the loss ratio on the product from 70% to 50%. What is loss ratio? Claim ratio by premium. जो था कि कितना part of the premium हम 70% of the premium pay कर रहे थे, अब यहाँ पे हम 50% of the premium pay करेंगे if we include 5 basic medical questions. And इससे क्यों? What is the reason which he has given? एक बार ट्राई करो रुचिता समझाने का कि ये क्या रीजन दिया है यहाँ पे. इसमें बोल रहे ना कि 24 आवर्स का टर्न अराउंड टाइम है मतलब पॉलिसी इशू करने के लिए. तो अगर हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये 5 बेसिक क्वेश्चन पूछने पे कुछ क्लैरिटी आ जाएगी. करेक्ट. तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो जो 24 आवर टर्न अराउंड मतलब कि जब भी हमें क्लेम आए विद इन 24 आवर्स हमें सेटल करना है, हमें उसको पे करना है, राइट. दिस वाज द कंडीशन. तो ये जो कंडीशन है हमें क्या है, हम उसको प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे कि वेदर क्लेम इज वैलिड और नॉट. तो उस समय हम नहीं चेक कर सकते बिकॉज हमने 24 आवर्स का प्रॉमिस किया. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऐसा कि हम बिना मतलब का पे कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करने के लिए हमें 5 बेसिक क्वेश्चन पूछने हैं. So these two changes will result in lower sales numbers. ये disadvantage हो गया कि अगर obviously अगर मैं call करके तुमसे बहुत questions पूछ रही हूँ और ये सब कर रही हूँ तो obviously इससे क्या होगा, sales number decrease होंगे and I estimate that the conversion ratio sales per call made will reduce from 10% to 8%. तो 10% था conversion rate कि अगर हम लोग 3000 लोगों को कॉल करें तो आउट ऑफ दैट 10% पीपल 30 पीपल विल ज्वाइन इट. बट अभी हम देख रहे हैं कि 300 पीपल विल ज्वाइन इट, बट इसके वजह से हम देख रहे हैं कि 8% हो जा रहा है वो चीज. फर्दर मोर दीज चेंजेस विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ आवर सेल कॉल्स व्हिच मींस दैट वी नीड मोर स्टाफ. दिस विल रिजल्ट इन मंथली एक्सपेंस इंक्रीज. तो ये दूसरा डिसएडवांटेज हुआ कि ऑब्वियसली हम लोग का जो कॉल ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होगा. कॉल ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो हम टारगेट तो 3000 ही है ना, एक दिन में 3000 लोगों को ही वी हैव टू टारगेट. अब पहले आई थिंक 15 मिनट्स लग रहा था, अब उससे ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली वी नीड मोर स्टाफ, तो उससे वी इंक्रीज आवर एक्सपेंसेस. माय टीम हैज एडजस्टेड द बिजनेस केस एनालिसिस
टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस. तो एक्चुअली इन्होंने ना यहाँ पे इट्स नॉट गिवन, यहाँ पे जस्ट एक ही मटेरियल है. बट एक्चुअली एग्जाम वाले दिन पे क्या हुआ था, ये जो सिनेरियो मटेरियल होता है जो हमने कल रीड किया था उसके साथ ये वाला बिजनेस केस आया था, एंड अगले दिन एग्जाम पेपर के साथ एक दूसरा बिजनेस केस आया था. उधर ना उन्होंने क्या किया था, इधर यू विल नॉट फाइंड इट इन द वेबसाइट, IFO वेबसाइट, उसमें कुछ भी नहीं था. उसमें खाली जो 10% था इसको 8% कर दिया था, ठीक है. एंड यहाँ पे इन्होंने कॉल ड्यूरेशन नहीं चेंज किया था, आई थिंक कॉल ड्यूरेशन क्योंकि दिया नहीं है ना इधर. सो कॉल ड्यूरेशन नहीं चेंज किया था, लॉस रेशियो शायद चेंज किया. लॉस रेशियो तो किया था, कन्वर्जन रेशियो, लॉस रेशियो और यहाँ पे ये लैप्स रेट, ये तीन चीज था. पर इसमें टाइम भी होनी चाहिए थी चेंज, बिकॉज टाइम इंक्रीज तो होगा ना, ये देते नहीं है ठीक से, एग्जाम पेपर अपलोड ही नहीं करते. आई डोंट थिंक इवन आई हैव दैट पेपर विथ माई सेल्फ, देखती हूँ. मैंने जो अपने एग्जाम दिया था अच्छे से पीटर खोल दिया, मेरा खाली पेपर है मेरे पास, ठीक है, नेवर माइंड, लेट्स सी क्या होता है. बट आई थिंक ये भी चेंज हुआ था इनका एवरेज कॉल टाइम, होना चाहिए ना लॉजिकली, ये 8% होगा, लैप्स रेट 5% होगा, क्लेम रेशियो 50 होगा, एंड ये भी एक्चुअली चेंज हुआ था, इट्स नॉट मेंशन्ड यहाँ पे, ठीक है. एंड डाउनलोड करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं देखूंगी वो. सो बेसिकली माई टीम हैज एडजस्टेड द बिजनेस केस एनालिसिस टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस. आई बिलीव दीज चेंजेस विल बी फाइनेंशियली एडवांटेजेस इन द लॉन्ग रन, दो वुड एक्सपेक्ट सम नेगेटिव इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म. सो शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली सेल्स विल रिड्यूस क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट रिड्यूस हो रहा है, कन्वर्जन रेट ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा है तो स्टार्टिंग में, बट लॉन्ग रन में हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. प्लीज ड्राफ्ट अ मीटिंग पेपर टू द सेल्स मशीन मार्केटिंग कमिटी फॉर डिस्कसिंग एट एंड ऑफ द वीक. बेयर इन माइंड दैट द कमिटी मेंबर्स डोंट हैव एनी इंश्योरेंस एक्सपीरियंस एंड अ they don't have any insurance experience and primarily they are focused towards sales volume. So suppose ab tum log imagine karo that we are from the product, we are from the ABC Limited. Now you are going and you are talking to sales machine and aap unko aise bologe ki aapka sales kam ho jayega, conversion ratio kam ho raha hai, to obviously unko nahi samajh mein aayega na ye sari cheezein ki क्यों. वो तो यही देखेंगे कि कम हो रहा है, सेल्स वॉल्यूम कम हो रहा है, वो देखेंगे कि आपका कन्वर्जन रेशियो कम हो रहा है. बट यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये जो कम हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग, तो आपको उनको ये समझाना है कि आउट ऑफ दीज थिंग्स एक बेनिफिट है हमारा, क्या बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि लैप्स रेट कम हो रहा है, कि हमारा प्रीमियम, हमारा लॉस रेशियो कम हो रहा है. अब ये सुनने में ईजी है, but when you have to sit down and write a 900 words out of it, tab bhi difficult ho jayega. And ye bhi ki aap kaise put karoge isko, and kaun sa graphs use karoge, kaise likhoge, pehle kaise start karoge, theek hai. To ye sari cheezon ki wajah se hi CP3 becomes difficult. And it is important that you communicate in your paper how the benefits of improved lapses and claims outweigh the lower sale volumes. एक चीज याद है, सेल्स मशीन मार्केटिंग कमेटी के बारे में क्या लिखा हुआ था, दे आर फोकस्ड टुवर्ड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू, और ये तीनों चीज डिक्रीज हो रहे, इनका रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स, और ये तीनों चीज आप कम करना, आप कम कर रहे हो, आपका प्रपोजल कम कर रहे हैं इनिशियली, तो आपको अपने प्रपोजल को ऐसे रखना है सामने कि वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है. तो दिस वाज एक्चुअली अ गुड पेपर. नोट दैट द मार्केटिंग कमिटी विल बी पर्टिकुलरली फोकस, अच्छा लिखा हुआ है, ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, बिकॉज इनका रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन दिस. ये देखो एक सेल्स स्क्रिप्ट अटैच कर रखा है यहाँ पे, टोटल में कितना टाइम लग रहा है,
इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के लिए 0.5 मिनट्स है, तो इसको एक बार ऐड करते हैं अपने। कितना आ रहा है ऐड करके? 1.5, 4, 9, 10.5, 14.5, 15.5, 17.5 आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 15 to 17.5, बट हमें वो शीट नहीं मिल रहा क्योंकि वो आपको इन्हें दिया ही नहीं है। आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट अगर मुझे मिलता है तो बिजनेस के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो एरिया है, देखो यहाँ पे सजेस्टेड एडजस्टमेंट इंडिकेटेड इन ग्रे, तो ये दो चेंजेस हैं। प्री क्वालिटी आर यू, वो जो था ना वेदर फाइनेंशियल नीड है कि नहीं उसको, आर यू करंटली एम्प्लॉयड और डू यू अर्न अबव 1000, do you have a partner, spouse, dependents, do you have a regular income, so all of these, and ask 5 medical questions, iska alag se 1.5 minutes lag rahe, these are the changes. Read CP3 material is, remember that CP3 is a test of your ability to filter out information and communicate. So sabse important mujhe kya feel hota hai, communicate karne se zyada difficult hota hai filtering the information, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सिनेरियो मटेरियल में इतना सारा इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे इतना सारा इंफॉर्मेशन है, बट लिखना हमें खाली 900 वर्ड्स है, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस, 2 to 2.5 पेजेस ग्राफ को इंक्लूड करके, मैक्सिमम 3 पेजेस अगर आप 2 ग्राफ डालते हो, तो खाली इतना ही आपको लिखना है आउट ऑफ सो मच इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट थिंग ये सबसे डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कितना फिल्टर आउट करें, ठीक है। तो दिस इज अनदर डिफिकल्ट थिंग्स, यूज ओनली द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द एग्जाम पेपर एंड एडवांस मटेरियल जो हमें दिया था, डू नॉट ड्रॉ एनी प्रायर नॉलेज व्हिच यू हैव, सो इफ यू आर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन एंड यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रायर नॉलेज, डू नॉट यूज दिस काइंड ऑफ नॉलेज हियर। ड्राफ्ट मीटिंग पेपर फॉर द मार्केटिंग कमिटी टू एक्सप्लेन दिस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन नहीं है, तो जब नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन नहीं होते, वी कीप इट टिल 900 होती, 900-950 मैक्सिमम, डोंट क्रॉस दैट, ज्यादा से ज्यादा 1000, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन नहीं है, जनरली नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन रहेगा, अगर नहीं है तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। ये इस पे हम लोग बाद में आएंगे। नाउ मीटिंग पेपर क्या होता है, इट्स अ सिंपल, देखो कोई भी फॉर्मेट हो, स्टार्टिंग में हमेशा 3-4 चीज कॉमन रहते हैं, सेंडर्स एड्रेस, कंपनी का नाम, क्योंकि हम एबीसी लिमिटेड को रिप्रेजेंट करें, सो एबीसी लिमिटेड, एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड, लेटर हेड चाहते हैं कंपनी का एड्रेस चाहते हैं, डेट चाहता है जब आप लिख रहे हो, मतलब विच इज योर एग्जाम डेट, एंड देन जिसको भेज रहे हो, तो हम लोग सेल्स मार्केटिंग कमिटी को भेज रहे हैं, उनका कंपनी का नेम, उनका कंपनी का एड्रेस, एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग द पेपर। सो दिस हमारा सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, डेट, दीज आर कॉमन थिंग्स, देन वी राइट द टाइटल एंड देन वी मूव विद द मेन मटीरियल विच इज, ठीक है। So this was all about the paper. Aaj ki class mein I just want you all to just discuss ki kaise kya likhna hai, kaise proceed karna hai. Ab CPC ke paper mein kya hota hai na, starting mein hum ek introduction dete hain. That is the introduction of what is happening, hum kaun hain, hum kyun likh rahe hain. To we will start aise karke, main basic idea deti hu, 3-4 cheez basics hote hain. I have notes made. ये नोट्स मैं ना ग्रुप में कॉपी पेस्ट करूंगी, CP3 ये वाला, CP3 देखो। सो ये कुछ नोट्स हैं। सो पहले भी स्टार्ट राइटिंग हमेशा याद रखना, देयर आर 3-4 ऑब्जेक्टिव्स, एक जगह और लिखा था मैंने, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहला जो ये सैल्यूटेशन जाता है, सैल्यूटेशन में हमेशा याद रखो 3-4 चीज जो मैंने बताया वो रहता है। इंट्रोडक्शन जो होता है ना, इंट्रोडक्शन में 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो रहती है, ऑल कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। सबसे पहले आप कौन हो, व्हाट इज योर कैपेसिटी इन विच यू आर राइटिंग, किस क्यों लिख रहे हो, व्हाट इज द रीजन, एंड उसको इलैबोरेट करो रीजन को थोड़ा 2 लाइंस में, कि क्या क्या फॉरवर्ड, लाइक
इन माय कम्युनिकेशन इन द एंटायर कम्युनिकेशन आप क्या क्या लिखने वाले हो, ठीक है, एंड जो रिसीवर है उसको आप एक एक्नॉलेज करो. तो ये चार चीज आते हैं इन इंट्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर इन व्हाट कैपेसिटी यू आर राइटिंग, किसको लिख रहे हो एंड किसको एड्रेस कर रहे हो, बेसिकली क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है आपका, एंड लास्टली आपके पेपर में क्या है. और ऑल्सो यू कैन गिव अ कंक्लूजन काइंड ऑफ अ थिंग स्टार्टिंग में एक लाइन का, कि पूरा एट द एंड क्या ये चीज को डिनोट करेगा. देन वी गिव 3-4 सेक्शंस, 3-5 मैक्सिमम सेक्शंस, एंड देन अगेन लास्ट में एक कंक्लूजन जाता है. दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, ठीक है. तो वी विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग कि हम कैसे इंट्रोडक्शन देंगे. इंट्रोडक्शन में वी आर पीटर टेलर, नहीं सॉरी, हम है एलेक्स स्मिथ. We are the product actually of ABC. I am the product actually of ABC Limited, and this is the paper which I am going to write. These things we'll discuss in the upcoming meeting at the end of the week. What is the main thing which we are writing from? We are going to discuss the proposed script for the telemarketing sales committee. Chicken sales staff. This is what we are writing. Now, ek head start dene ke liye ki there are two major concerns which we'll be focusing on. Yahan pe two major concerns hain. Which we'll be focusing on and how this things to hamesha introduction positive dena. Agar negative hai bhi to bhi aapko negative ko positive bana ke likhna hai. Suppose for example ek paper aayega jahan pe premium calculation was wrong, to aap wahan pe likho ya fir aap bologe kuch aapne galti kiya hai, to aap usko accept karoge ki this is the, aur fir zyada aise nahi ki we are very sorry and aise nahi. He we accept that this was a mistake and it has been corrected duly and it has been presented in the paper following. तो आपको यहाँ पे आपको क्योंकि एक negative आप starting में नहीं लिख सकते कि volume कम हो जाएगा sales volume profit, ये आप starting में नहीं mention कर सकते. आपको थोड़ा elaborate होना पड़ेगा starting में. आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि there is a few changes which we would like to share with you the proposed script to be जो हमारे customer से बात करेंगे telephonic sales staff and इसके वजह से what are the two positive things are happening. एक तो हमारा lapse rate reduce हो रहा है, एंड अब lapse rate का meaning उनको नहीं समझ में आएगा, maybe हो सकता है कि उनको नहीं समझ में आए, तो हमको इसको अच्छे से frame करके बताना है इधर, ठीक है. introduction में हमने ये अच्छे से लिख दिया, इसको हम लोग आपको frame करेंगे. this is what we are planning, we are not writing. जब लिखने बैठोगे तब language आएगी कि आप language कैसे लिख रहे हो. this is what we are planning. तो हम introduction में ये भी बताएंगे कि हमारा lapse rate is reducing and also हमारा conversion rate, ये वाला claim ratio is decreasing, जो 70%. so this we can mention. so now we'll start with the paragraphs. तो हर एक paragraph, हर एक section का एक section heading हम देते हैं. तो पहले हम section heading देते हैं, फिर हम वो पूरा section लिखते हैं आराम से. तो इसका section heading क्या होना चाहिए? पहला मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है, what should be the logical order of points? कैसे हम लोग को भरना चाहिए? थोड़ा सोचो, थिंक अबाउट इट. हम लोग को किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है? हमें दो कंसर्न्स है हमारे, ठीक है. एक तो हमें फिनेंशियल नीड देखना है कि उसका फिनेंशियल नीड है कि नहीं. फिनेंशियल नीड क्यों देख रहे हैं? ताकि बाद में लैप्स कम हो. एक न्यू बिजनेस का कॉस्ट ज्यादा रहता है, तो अगर वो बाद में लैप्स करते तो हमारे लिए एक लॉस आ जाता है, ठीक है. तो वो लॉस को कवर अप, मतलब वो लैप्स रेट को रिड्यूस करने के लिए हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल नीड उसको है कि नहीं. नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल नीड? फाइनेंशियल नीड इज समथिंग कि वो एक्चुअली नीड है, वांट है फॉर दिस प्रोडक्ट. वो कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो इसने लिखा है ना, इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि डू द पर्सन हैज सर्टेन डिपेंडेंस, हैज अ स्पाउस, या फिर उसका थोड़ा अनसर्टेन इनकम है. अगर ये सारी चीजें हैं तो मतलब ही इज इन अ फाइनेंशियल नीड टू टेक दिस प्रोडक्ट. Obviously, if he or she dies, तभी funeral के लिए expenses to meet up those expenses हम उनको pay करें. So ये हमें explain करना है. फिर इस ये पहला positive point हमने explain किया और हमने बता भी दिया कि हमारा इससे क्या हो रहा है, lapse rate reduce हो रहा है, ठीक है. clear? Next हम बोलेंगे कि दूसरा चीज है कि हमारा 24 hour का settlement है. मतलब कि proper समझाना है उनको, क्योंकि उनको कुछ भी idea नहीं insurance के बारे में. तो उनको बताना है कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा कि हम 24 आवर्स का सेटलमेंट हमारा है. मतलब कि जब भी क्लेम है विद इन 24 आवर्स वी हैव टू पे द कैश. सो 24 आवर्स इज अ वेरी स्मॉल टाइम जहां पे हम ये पता लगा पाए कि जो क्लेम आ रहा है वो सही है कि नहीं, वेदर इट्स अ इनवैलिड क्लेम. तो वो पता लगाने के लिए 24 आवर्स इज अ वेरी शॉर्ट टाइम.
तो इसीलिए इफ वी इंक्लूड सम प्री मेडिकल क्वेश्चंस उससे हमें ये पता चल जाएगा वेदर द पर्सन हैज सम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और नॉट. इफ दे हैव तो हो सकता है व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी कैन डू, वी कैन आइदर एक्सक्लूड देम और वी कैन इंक्लूड सर्टेन. ये आपको इतना एलैबोरेट करके नहीं लिखना पड़ेगा कि आप उसको या तो एक्सक्लूड करोगे या तो आप कुछ डिक्लाइन कर दोगे कवर. तो आपको जस्ट एक लाइन की हाँ सो वी नो दैट द पर्सन हैज प्री मेडिकल कंडीशंस सो वी कैन डिक्लाइन द ऑफर टू देम. ठीक है तो ये चीज आपको लिखना है इसमें. एंड देन आफ्टर दिस कम्स द नेगेटिव क्वेश्चन. इसकी वजह से क्या होगा, हमारा क्लेम रेशियो इम्प्रूव होगा 50-70 से 50% हो गया. मतलब नाउ वी हैव टू पे लेसर अमाउंट ऑफ प्रीमियम एज अ क्लेम. तो ज्यादा प्रीमियम हमारे पास बच रहे. आफ्टर दिस आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों क्वेश्चन जो हम पूछेंगे इससे टाइम कंजम्पशन थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, एवरेज कॉल टाइम इंक्रीज होगा. अब एवरेज कॉल टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक सेल्स पर्सन जो है वो कम बात कर पाएगा लोगों से बिकॉज उसको ज्यादा टाइम लग रहा है ऑन ईच कॉल. सो वी विल नीड मोर स्टाफ. समझ लो एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. पहले हमने बोला कि इन सब की वजह से एवरेज कॉल ड्यूरेशन विल इंक्रीज. सो इन दैट केस वन सेल्स स्टाफ कैन ओनली अटेंड फ्यू कस्टमर्स पहले से, लेसर नंबर ऑफ कस्टमर्स. सो टू मीट एवरी डेज टारगेट नंबर ऑफ लीड्स तो हम लोग को सेल्स स्टाफ इंक्रीज करना है विच विल इन टर्न इंक्रीज द एक्सपेंसेस. ये एक पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट ये बिकॉज सो मेनी क्वेश्चन आर आस्क्ड नाउ द कन्वर्जन रेशियो विल ऑल्सो डिक्रीज. Number of people getting converted to buy the product will also decrease. But अब हमें explain करना है. Negative चीज तो बोल दिया but इसके वजह से long term profit में increase आएगा वो हमें दिखाना है. वो अब आप कैसे दिखाओगे, maybe graph के थ्रू. ठीक है तो graph में क्या क्या graphs हम लोग बनवा सकते हैं बताओ. आप एक चीज बना सकते हो, एक चीज लिखा है profit before tax. They are focusing more on profit before tax. तो last 5 साल का बिफोर आफ्टर हम लोग दिखा सकते हैं. एंड उसको आप लोग कैसे बना सकते हैं, एक क्लस्टर्ड कॉलम में बना सकते हैं. क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बिफोर आफ्टर का बना सकते हैं. तो उससे स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है बट बाद में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इंक्रीजिंग. तो ये एक दे सकते हो, ये एक चीज दे सकते हो. फिर क्लेम नंबर ऑफ क्लेम्स का दे सकते हो, ये वाला पॉलिसीज एट द एंड ऑफ द ईयर. स्टार्टिंग में कम पॉलिसीज आएंगे बट एंड में इट विल इंक्रीज क्योंकि लैप्स रेशियो इज डिक्रीजिंग. तो दो ग्राफ ये बन गया. कोई और दिमाग में कुछ और ग्राफ आ रहे हैं, कुछ और भी बना सकते हैं हम लोग जो भी कुछ माइंड में आ रहा हो. सो ये क्लेम एक्सपेंस का भी तो बन सकता है क्योंकि दैट विल आल्सो रिड्यूस. हाँ तो क्लेम एक्सपेंस का बना लो. सो देखो हमेशा दो से ज्यादा ग्राफ कभी मत देना CP3 में. अगर आप जैसे एक ग्राफ एक टेबल दे रहे हो तो भी चलेगा, एक ग्राफ दो ग्राफ्स दे रहे हो. सो कीप इट टू टू, डोंट इंक्रीज, डोंट इंक्लूड अ लॉट ऑफ ग्राफ्स. तीन ग्राफ तभी देना जब बहुत एक्सट्रीम जरूरत हो, तभी, उतना रिक्वायर्ड नहीं. टू ग्राफ्स आर मोर देन एनफ, राइट? और वन ग्राफ इन वन टेबल. सो यस यू कैन मेक क्लेम एक्सपेंसेस का भी बना सकते हैं. बट क्यों क्लेम एक्सपेंसेस मैंने क्यों नहीं फोकस किया, क्योंकि मार्केटिंग कमिटी को सेल्स वॉल्यूम से मतलब है, उनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मतलब है, उनको रेवेन्यू से मतलब है, उनको क्लेम एक्सपेंस से मतलब नहीं है. तो वो उनके लिए थोड़ा सही नहीं है लक्ष्य ऐसे फाइन. उनको उस पर ध्यान, दे आर नॉट बॉर्डर्ड अबाउट क्लेम एक्सपेंस, दे आर बॉर्डर्ड अबाउट फाइनल प्रॉफिट. ठीक है. और यहाँ पे भी सिनेरियो में लिखा होता है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट इंक्रीज होगा विच वी विल शो कि डिसएडवांटेज लिखा. फिर हम लोग बताएंगे ऑल्दो these are a few disadvantages but still if we see the long run profit before tax in the graph below it is increasing and similarly the policies at the end of the year will also obviously will increase. to ye hame acche se batana and then we can give a summary. summary mein hum bol sakte hain ki by including these extra questions we are actually reducing the costs and finally in the long run we are increasing the profit. this was the entire structure. ab ye maine aap logo ko bol diya, ab aap logo ko lag raha hai kafi easy hai but when you start writing you will realize it's not easy hai. and ye jo plan kiya humne ye bhi itna easy nahi plan kar, which all points to include, which all points not to include and everything. theek hai. so what I will do today is I will just you know go through ek bar fir se ye wala. and aap log jise graph bol rahe ho graph aap log bana ke rakhna dono ka before after ka. also ye wala ek bar dekhte hain second question jo hota hai. second question काफी interesting होता है 10 marks का. उसमें हमें ये बताना है कि हमने फर्स्ट पार्ट में कैसे आंसर किया. ठीक है. दिस पेपर रिक्वायर्ड यू टू डेमोन्स्ट्रेट
to a committee of experienced sales directors and sales volumes that sales volumes and revenue are not most important factors. हम इनके लिए सेल रेवेन्यू ये सब इम्पोर्टेंट है, बट हम इनको बता रहे हैं कि ये सारे इम्पोर्टेंट उतना है नहीं. अगर लैप्स रेशियो इतना हाई रहेगा तो आपके लिए फिर चाहे जितना भी सेल हो, पीपल आर लैप्स इन देयर पॉलिसीज एट द एंड. एक्सप्लेन हाउ यू यूज टू स्ट्रक्चर योर पेपर टू कंस्ट्रक्ट योर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट वुड बी फेमिलियर टू द मेंबर्स ऑफ द मार्केटिंग कमिटी एंड टेक अकाउंट ऑफ हाउ दे आर रेमुनरेटेड. तो कैसे हमने पुट फॉरवर्ड किया, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. मिनिमम यू हैव टू राइट 4 गुड पॉइंट्स, अच्छा अच्छा पॉइंट्स मिनिमम 4 लिखना पड़ेगा. तो यहाँ सबसे पहला चीज आप क्या बोलोगे कि हमने पहले उनको एक्सप्लेन किया है कि कैसे फाइनेंशियल नीड इम्पोर्टेंट है, कैसे उसकी वजह से हमारा लैप्स रेशियो कम हो रहा है. सेकंड, प्री मेडिकल एग्जिस्टिंग कंडीशंस के बारे में कैसे पता करना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो 24 आवर का विंडो है दैट इज अ वेरी शॉर्ट विंडो, तो उसकी वजह से क्लेम्स बहुत ज्यादा पे आउट हो रहे थे, वो रिड्यूस होंगे, एक्सपेंस रिड्यूस होगा. भले ही वी आर सेलिंग लेस पॉलिसीज बट लैप्स भी तो रिड्यूस हो रहा है ना, वो भी तो देखो. तो ऑल इन ऑल हमारा ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ पॉलिसीज नीचे जा रहा है. सो एंड वी ऑल्सो टुक द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. ग्राफ में हमने कंपेयर, वी यूज अ क्लस्टर्ड कॉलम, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द ग्राफ. वी यूज अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट टू रिप्रेजेंट कि बिफोर आफ्टर कैसे प्रॉफिट हो रहा है. स्टार्टिंग में इट इज फॉलिंग बट लेटर ऑन ओवर द इयर्स इट इज इंक्रीजिंग. वी ऑल व्हाई वी चोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज दे आर focused towards profit before tax for their remuneration, for their bonuses. We also focused on the number of policies which we have and we saw that it is increasing at the end. So, humne unko ek difference bataya, short term, long term over short term. Ye humne unko samjhane ka koshish kiya ki short term loss ho sakta hai, but if we see the longer term prospects, wo kaafi better. So, humne time horizon bhi unko kuch samjhaya. All of these things you have to write in your words. यहाँ पे यू कैन यूज एनी टेक्निकल लैंग्वेज यू वांट टू, बिकॉज़ दिस इज समथिंग व्हिच एग्जामिनर इज आस्किंग यू. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन यूज एनी टेक्निकल वर्ड्स, एनी एक्सप्लेनेशन जो आपने समझाया नहीं बट आप समझा सकते थे वो आप यहाँ पे यूज करोगे. एंड आपने स्ट्रक्चर कैसे किया, दो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, एक होता है टॉप बॉटम एंड एक बॉटम टॉप. टॉप बॉटम अप्रोच क्या होता है, जहाँ पे पहले ही आप पूरा कंक्लूजन दे देते हो देन यू एक्सप्लेन. बॉटम टॉप अप्रोच क्या होता है, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हो एंड कंक्लूजन में फाइनल आंसर बताते हो. यहाँ हमने कौन सा अप्रोच यूज किया रुचिता, बॉटम टॉप के ना, धीरे धीरे. करेक्ट, तो यहाँ पे क्यों बॉटम टॉप किया, एनी आइडिया क्यों बॉटम टॉप यूज किया हमने? पहले नेगेटिव में नहीं गए, पहले धीरे धीरे. करेक्ट करेक्ट, तो पहले ही हम उनको अगर बता देंगे कि ये सब हो रहा है तो वो पढ़ेंगे ही नहीं आगे. हमने उनको स्लोली पहले समझाया स्टार्टिंग में कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड देन वी गिव नेगेटिव एस्पेक्ट की इसके वजह से एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, हमारा कन्वर्जन रेशियो कम हो रहा है. सो वी वेंट यूजिंग दैट अप्रोच ताकि उनको क्लैरिटी मिले. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द टर्म्स दैट यू आइडेंटिफाइड टू बी अ जार्गन एंड यू डिड नॉट यूज. ये हम लोग करेंगे इन द कमिंग क्लास ऑल्सो. तो ये सब बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन. अब 2 मार्क का है, आपको वो जार्गन लिखना है, नेम जो आपने नहीं यूज किया अपने पेपर में, जो आपको लग रहा है कि एक जागन है, डिफिकल्ट वर्ड है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपने वो वर्ड क्यों नहीं यूज किया, तब जाके आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, 1+1. तो ये हम लोग जब पेपर लिखेंगे तभी हम लोग देख लेंगे कि कौन सा 2 वर्ड्स हम एक अंडर राइटिंग है, हम बोल सकते हैं हमने अंडर राइटिंग एक्सक्लूड किया. एक हम अगर लैप्स रेट या कुछ भी ऐसा नहीं यूज करें तो वो भी हम लिख सकते हैं कि हमने ये भी नहीं यूज किया. तो ऐसे करके टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स यू हैव टू फाइंड आउट. ऐसा नहीं कि यू आर राइटिंग लैप्स रेट, कन्वर्जन रेशियो, सभी रेशियोज वाला टर्म्स ऐड कर दिया, नहीं, दो डिस्टिंक्ट टर्म्स हमें बताने. एक्सप्लेन व्हाई यू डिसाइडेड टू इंक्लूड द डेटा दैट यू डिड इन योर विजुअल एड्स. तो ये भी अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन. जो भी विजुअल एड्स आपने प्रेजेंट किया, चार्ट, टेबल्स, क्यों आपने वो डाला? तो हमने क्लस्टर्ड कॉलम डाला. क्यों क्लस्टर्ड कॉलम डाला? ताकि वो कंपेरिजन में ईजी लिखे, बिफोर आफ्टर वाला चीज पता चले. ठीक है, तो इसीलिए हमने क्लस्टर कॉलम डाला. एंड टू एड अ वैरायटी हमने बाहर में भी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, डॉलर्स में एक्सप्लेन किया, वो हम लोग सब करेंगे. सो दिस इज द एंटायर पेपर स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट. बट यस, जो हम लोग लिखने बैठते हैं ना, वंस यू सिट एंड स्टार्ट राइटिंग तब आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा. नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज कमिंग वीक में, मेरे स्पेसिमेन की 3 क्लासेस है. ठीक है, वो आप लोग एक बार गो थ्रू करना.
ठीक है आज एक क्लास ऐसे करके एंड बिफोर माय नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग पूरा लिखो या कुछ करो आई जस्ट वांट यू ऑल टू जस्ट राइट एटलीस्ट वन पेज बेसिक बेसिक एक ट्राई करना है आप लोगों को फ्रेम करने का इन माय नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑब्वियसली लिख लिख के पूरा करने वाले हैं बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट गो थ्रू माई स्पेसिमेन वीडियोज ठीक है आज हम क्या कर सकते हैं आज आई डोंट वॉन्ट टू शेयर माई सोल्यूशन विथ यू ऑल जस्ट राइट अवे मेरा सोल्यूशन है मेरे पास बट आई डोंट वॉन्ट टू शेयर इट राइट अवे पहले हम खुद से लिखने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल रीड द सोल्यूशन एंड आई विल ऑल्सो टेक समवन्स सोल्यूशन हु कुडंट क्लियर द पेपर इन दिस पर्टिकुलर टर्म तो उसका सोल्यूशन भी मैं लेके वी कैन डिस्कस ठीक है सो दिस इज वॉट वी विल बी डूइंग फॉर दिस पेपर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल एक बार आप लोग इसका गैदर करो थॉट्स एंड स्पेसिमेन आप लोग एक बार देख लो मेरा वीडियोज ठीक है तो क्या होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटर वी कैन स्टार्ट विद एमएस वर्ड वी कैन डिस्कस एंड स्टार्ट दिस वॉज द एंटायर स्ट्रक्चर तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जो 10 मिनट्स वाला प्लानिंग होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर आपने यहाँ पे हमारा तीन अगर आप उस वे से जाओ कि तीन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो गया कि हम उनको समझा रहे हैं फिनेंशियल नीड वाला क्वेश्चन के बारे में फिर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन के बारे में एंड दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट कि इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एंटायर पेपर हर पेपर का तीन से चार ऑब्जेक्टिव्स ही होता है यू हैव टू एक्चुअली फाइंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स यू आर टॉकिंग अबाउट क्लियर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इससे रिलेटेड कमिंग वीक आई थिंक कमिंग वीक ही दिवाली है क्या नहीं नहीं उसके नेक्स्ट वीक है हाँ कमिंग वीक तो नहीं है मतलब कमिंग सैटरडे संडे नहीं है सो डेफिनेटली वील हैव बोथ ऑफ द डे वील हैव क्लासेस एंड दोनों दिन मिला के वील फिनिश ऑफ दिस पेपर ठीक है आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना ग्राफ ग्राफ भी आप लोग बना के रखना एवरीथिंग एंड देन वी कैन स्टार्ट विद दिस यू ऑल वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस इसमें से आज मैं नहीं करवा रही बिकॉज आई वॉन्ट टू बी कंटिन्यूस एटलीस्ट हम लोग 1 आवर पूरा टाइप करें हाँ रचित नो मैम अभी तो नहीं है पहले थोड़ा स्पेसिमेन देखते हैं फिर खुद से कोशिश करते हैं खुद से पूरा मत लिखना इसको ये हम लोग क्लास में इस पेपर को मैं पूरा क्लास नहीं करवाऊंगी स्पेसिमेन आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोग देख सकते हो या तो आप लोग एक काम करो अभी नहीं देखना नेक्स्ट वीक यू कैन वॉच स्पेसिमेन आफ्टर सॉल्विंग दिस पेपर आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस पेपर राइट नाउ बिकॉज आई वॉन्ट कि हम साथ में पूरा लिखें एंड मे बी 1 आवर में वी विल बी एबल टू और मे बी 2 क्लास में तो पूरा खत्म कर ही देंगे कमिंग वीकेंड में उसके बाद आप स्पेसिमेन देखना क्योंकि उसके बाद वाला जो वीक है आई थिंक सैटरडे वो पूरा फेस्टिविटीज रहेगा दिवाली एंड ऑल का तो उस समय आई थिंक क्लासेस मिस होंगे हमारे तो सैटरडे संडे को तो उस वीक में यू कैन वॉच द स्पेसिमेन ठीक है लक्ष्य यू हैव एनी डाउट्स जी आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक बार फिर से रीड द सिनेरियो एंड द एग्जाम पेपर अगेन ठीक है एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल बी राइटिंग दिस सॉल्विंग दिस वीक ठीक है तो आज बहुत छोटा क्लास हुआ हमारा बट ठीक है आई वॉन्ट एक्चुअली टू गो स्लो भी काफी वी हैव टाइम ओके यू ऑल कैन लीड द मीटिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू